एक्सरसाइज 4.1 इन्हें एक टेबल दिता हुआ है तो 6 क्वेश्चन दिते हुए ये फिल करने असी। देखो बच्चे ये उन्होंने ईवेंट्स की गल की हुई है कि जिदा हम थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ना सॉल्व किया हुआ, उन्होंने कहा कि एक ना लैटर चूज करना वा वर्ड मार्च विचों। हुण मार्च दे विच किन्ने वर्ड आ, 5 वर्ड्स आ, है ना, एम ए आर सी एच। इन्हां नूं ना तुसीं कोमा पा के लिख लेना, इत्थे टोटल नंबर लिख देने कि टोटल किन्ने बनते हैं, 5 बनते हैं। पॉसिबल आउटकम्स मतलब एक लैटर आप चूज़ करना है बिना देखिया, तो कोई भी लैटर असं सानू की पता, हूँ एम भी आ सकता, आर भी आ सकता, बट करने किन्ने चूज़ आ, एक ही करना है, तो इन सारे असं लिख लेना है। तो फिर पॉसिबल ईच आउटकम्स मतलब जिहड़े टोटल नंबर उह थले लिखने आ, तो इन्हां दे विचों असीं लैटर किहड़ा लैणा, सिर्फ इक्को ही लैटर लैणा, तो जिन्ने लैटर लैणे उहनूं तुसीं उपर लिख देना, ठीक है। सो इदां आपां एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, संभावना कि मतलब जिहड़ा असीं लैटर चूज़ किया वा वह किहड़ा होएगा, वह कोई भी हो सकता, बट एक लैटर चूज़ करना तो मार्च दे विचों कोई भी एक लैटर आऊगा, इस करके 1/5, क्योंकि टोटल का एक लैटर आना है, टोटल नंबर थले लगाने हैं, जिन्हें लैटर असी चुकने हैं वह उपर लगाने हैं। हुण बच्चों जिदा हुण फस्ट क्वेश्चन आ, चूजिंग अ लैटर फ्रॉम द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबैट। इंग्लिश अल्फाबैट के ना वॉवल्स किन्ने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स मतलब 5 वॉवल्स होंगे टोटल, है ना, पॉसिबल आउटकम्स किहड़े-किहड़े होंगे, वॉवल्स लिख लो किहड़े-किहड़े होंगे, उन्हां दे नाम लिख लो, ठीक है। इदा ए आई ए ई आई ओ यू, तो टोटल किन्ने हो गए, 5 हो गए, टोटल थले लिख लैने आ। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ए लैटर, एक ही लैटर चुकना है, तो जिहड़ा मर्जी आ सकता, सानू नहीं ना पता किहड़ा आना, इस करके असीं 1 लिखांगे, 1/5, ठीक है, टोटल दे विचों एक लैटर। सैकेंड दे विच उन्होंने कहा टॉसिंग ए डाइस, एक डाइस आ उहदा टॉस हो रहा वा, सो दैट द नंबर 5 मे कम ऑन द टॉप, तो किहड़ा नंबर आउण दी संभावना वा, 5 नंबर आउण दी संभावना वा। सो डाइस 6 पासे होंदे आ टोटल, किहड़े-किहड़े, 1, 2, 3, 4, 5 ते 6 सारे लिख लो। तो उन्होंने कहा सिर्फ 5 जिहड़ा उहदे आउण दी संभावना हैगी आ, 5 तो है इक्को वारी आ, 5 इक्को वारी आ रहा ना इहदे विच, इट मीनस 1/6 जिहड़ा टोटल जिहड़ा थले लिख देना तुसीं सारिआं दा। हुण फोर्थ क्वेश्चन आ, कहिंदे ड्राइंग ए मार्बल फ्रॉम ए बैग, एक ना बैग आ उहदे विच मार्बल्स पए हुए आ, 2 वाइट कलर दे आ, 2 रैड कलर दे आ, 3 ब्लैक मार्बल हैगे आ, ठीक है, तो किन्ने बन गए, 3, 2, 5, 5, 2, 7 बन गए, टोटल मार्बल बन गए 7, ठीक है। वाइट किन्ने बच्चे, वाइट हैगे आ 2, W1, W2 लिख लो, रैड भी 2 आ, रैड R1, R2 लिख लो, इदा कौमे पा के, ठीक है, तो ब्लैक B1, B2 ते B3 लिख लो, है ना, टोटल किन्ने हो गए 7। तो उन्होंने कहा एक मार्बल चुकना, सानू हुण नहीं पता वाइट आऊगा कि रैड आऊगा कि ब्लैक आऊगा, क्योंकि असीं बिना देखा उन्होंने चुकना हुंदा। सो टोटल हैगे 7, तो आना साडे कोल हाथ, साडे हाथ दे विच एक ही, इस करके 1/7 आऊगा। सो इस तरीके दे नाल असीं जिहड़ा 5th पार्ट आ वह करांगे, चूजिंग 1 किंग, एक किंग चूज़ करना है फ्रॉम द सैट ऑफ 4 किंग ऑफ ए प्लेइंग कार्ड। एक ना प्लेइंग कार्ड आ, उहदे विच टोटल 4 किंग आ, किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 4, ठीक है, उहदे विच एक चूज़ करना है, इट मीनस 1/4 आंसर आएगा। टॉसिंग 2 कॉइन्स, हुण 2 कॉइन, एक कॉइन दे हैड ते टेल हुंदे आ, जेकर 2 कॉइन आ जाण ते कहिंदे कि 2 कॉइन जिहड़े आ उहनां दे विचों तुसीं किद्दां उहनां दा टॉस करोगे। देखो बच्चे जदों आपां 2 वारी कॉइन सुटणा वा ना, उहनां ने 2 कॉइन दी गल कीती, इट मीनस इधर भी कॉइन सुटणा ते इधर भी कॉइन सुटणा, हो सकदा दोवें जदों आपां 2 कॉइन नूं सुट्टांगे हो सकदा दोवां ते हैड हैड आ जाए, सानूं नहीं ना पता की आउणा, इसे ते सुटणे आ जाए, ते हो सकदा दोवां दे टेल टेल आ जाए, हो सकदा पहले तो हैड आ जाए दूसरे ते टेल, हो सकदा पहले तो टेल आ जाए दूसरे ते हैड आ जाए, सानू नहीं पता किहड़ा आना। तो टोटल किन्ने बन गए, 4 बन गया ना पॉसिबिलिटियां, इत्थे ही 4 लिख देना, तो यह जिन्नियां भी पॉसिबिलिटी लिखियां बनाइया मैं उन्होंने इत्थे लिख दो, तो इहदा तुहाडा आंसर 1/4 आएगा।